हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हालांकि दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो बात की थी नट के बारे में बात की थी, नट क्या होता है, नट कितने प्रकार के होते हैं। अब हम दोस्तों उस नट से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप किसी भी कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं या आप पेपर देते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों टेक की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हम हर दिन आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लाई नट को और क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्लाई नट को और हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है, बी सी आपका एरोप्लेन नट या विंग नट या रिंग नट, किस नाम से हम जानते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, फ्लाई नट को हम किस नाम से जानते हैं, तो फ्लाई नट को हम विंग नट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे जो है बात कर ले। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नट नट की परिध पर क्या बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो नट नट होता है उसकी परिध पर क्या बनी होती है। ऑप्शन ए है थ्रेड, बी है नरलिंग, सी है क्रॉस कट, ऑप्शन डी अर्थात चार नंबर पर जो क्वेश्चन है वह है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह कौन सा होगा, तो राइट आंसर आपका दो नंबर का होगा, नर्लिंग बनी होती है। जहां नल नट में जो है नर्लिंग बनी होती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या है उसके बारे में जान। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों आपका, किस नट की बाहरी परिध पर दो विंग्स बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सा नट है जिसके बाहरी परिध पर दो विंग्स बने रहते हैं। ऑप्शन ए है नर्ड नट, बी है कैस्टल नट, सी है डोम नट और ऑप्शन डी है दोस्तों अर्थात चार नंबर पे जो है वह है फ्लाई नट। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, चार नंबर पर आपका राइट आंसर होगा, फ्लाई नट में जो है दो विंग्स अर्थात दो पंख बने होते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर चार पर जो है बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चार क्या है। क्वेश्चन नंबर चार है साथियों, स्क्वायर नट की ऊपरी भाग को कितने कोण पर चैम्फर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्क्वायर नट के ऊपरी भाग जो होता है उसको हम कितने कोण पर जो है चैम्फर करते हैं। ऑप्शन है 90 अंश, दो नंबर पे ऑप्शन है 60 अंश, तीन नंबर पे है 30 अंश और चार नंबर पे है 15 अंश। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हमने वीडियो में पहले भी बता दिया था, तो 90 अंश होगा आपका राइट आंसर। स्क्वायर नट को हम 90 अंश के कोण पर जो है चैम्फर करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर जो है पाँच पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अतिरिक्त आपसे कोई भी क्वेश्चन और पूछा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर पाँच है दोस्तों, हेक्सागोनल नट सामान्यतः किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हेक्सागोनल नट होता है जिसे हम खरबूजाकार नट के नाम से जानते हैं, वह किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, वैनेडियम स्टील या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन एक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक जो है माइल्ड स्टील के सामान्य रूप से हम हेक्सागोनल नट को बनाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर छः पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर छः दोस्तों आपका, नट के किस भाग पर थ्रेड बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, नट के किस भाग पर थ्रेड बनी होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है, पहला है दोस्तों भीतरी भाग पे, दूसरा है बाहरी भाग पर, तीसरा है दोनों किनारों पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नट के किस भाग पर थ्रेड बनी होती है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों, आई होप आपको पता होगा क्योंकि आपने वीडियो देख रखा है। अगर नहीं देख रखा है दोस्तों, आप इसको पहले वाली वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन में हमने लिंक दी है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन वन, नट के जो है भीतरी भाग पर आपके चूड़ी कटी होती है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है दोस्तों वह है बोल्ट के बारे में। बोल्ट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, बोल्ट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सात है दोस्तों, इनमें से कौन सा नट गोलाकार होता है। जी हाँ साथियों, कौन सा नट है जो कि गोलाकार होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रिंग नट, कैपिस्टन नट, नल नट या उपरोक्त सभी। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा दोस्तों, चार नंबर का होगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। इसमें से जो भी नट दिए गए हैं वह सभी गोलाकार नट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आठ है साथियों, किस नट के बाहरी भाग पर स्लॉट कटे होते हैं। जी हाँ साथियों, कौन सा नट है जिसके बाहरी भाग पर स्लॉट कटे होते हैं। ऑप्शन ए है रिंग नट, दो नंबर पे है कैपिस्टन नट, तीन नंबर पे है नल्ड नट और ऑप्शन चार नंबर पे है उपरोक्त सभी। तो कौन सा नट है साथियों, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन
पहला रिंग नट पर जो है उसके बाहरी भाग पर हम स्लॉट कटे होते हैं ताकि हम उस पर आपकी क्यू पकड़ सके या सी स्पिनर का यूज कर सके। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बात। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, इनमें से किस नट में कॉलर लगी होती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा नट है जिसमें कॉलर होती है। तो ऑप्शन ए है रिंग नट, बी है कैपिस्टन नट, सी है नर्ज नट और ऑप्शन डी है फ्लेंज नट। तो किस नट में कॉलर लगा होता है दोस्तों, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर हो जाएगा फ्लेंज नट में। तो आइए अब हम आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कितने क्वेश्चन के आंसर जो है वह पता थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस नट को सी स्पैनर से खोला जाता है, रिंग नट या कैपेस्टन नट या नर्ज नट या एक व दोनों को। तो दोस्तों आपका फर्स्ट व सेकंड जो है रिंग नट और कैपेस्टन नट है, दोनों को दोस्तों हम सी स्पैनर के सहायता से खोल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका 4 वाला हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगले टॉपिक के बारे में जानने के लिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे साथियों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।